पटना से बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने पटना और आरा की कई प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। लालू यादव के अरुण यादव जो है वो करीबी माने जाते हैं और ईडी का शिकंजा अरुण यादव पर अब कह सकते हैं कि कस गया है। पटना और आरा में जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको ईडी ने जब्त कर लिया है। आरजेडी के पूर्व विधायक हैं अरुण यादव और लालू यादव के करीबी भी माने जाते हैं। तो आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। ईडी ने उनकी पटना और आरा की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है और एक कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई उन पर ईडी की हो रही है। लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं अरुण यादव, आरजेडी के पूर्व विधायक हैं और आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव पर जो ईडी का शिकंजा है वो कसता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी पटना की जो प्रॉपर्टी है, आरा की जो प्रॉपर्टी है उसको ईडी ने सीज कर लिया है। तो लालू यादव के करीबी माने जाने वाले आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। उनकी पटना और आरा की जो प्रॉपर्टी है उसको ईडी ने जब्त कर लिया है। तो लालू यादव के करीबी माने जाते हैं आरजेडी के पूर्व विधायक है अरुण यादव। ईडी ने उनकी पटना और आरा की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। आरजेडी के पूर्व विधायक हैं अरुण यादव, इसके साथ ही लालू यादव के वो करीबी भी माने जाते हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं पटना से, सीधे उनके पास चलेंगे। एसके राजीव, एक बड़ी खबर आ रही है, आरजेडी के पूर्व विधायक है अरुण यादव, लालू के भी करीबी माने जाते हैं, ईडी का शिकंजा उन पर कस गया है। नहीं देखिए, दरअसल में नवीन जो ये पूरा मामला है, ये मामला 2019 से जुड़ा हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है वो आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव की लगभग 25 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जो है वो अटैच कर लिया है या फिर आप कह सकते हैं कि सीज कर लिया है। दरअसल में अरुण यादव जो है वो लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी लोगों में उनका नाम जो है वो लिया जाता है और बालू के बहुत बड़े कारोबारी हैं या फिर बालू माफिया जैसे वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। और अरुण यादव जो है वो आरा के संदेश से आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव भी जीते थे। हालांकि जब वो उन पर मामला दर्ज हुआ तो उसके बाद फिर आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दे करके उनकी जो वाइफ है उनको वहां से खड़ा किया और अभी वर्तमान में उनकी वाइफ जो है वो आरजेडी के कोटे से विधायक है। अभी दरअसल देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला उस समय संज्ञान में आया जब अरुण यादव के ऊपर एक लड़की की तरफ से आरोप लगाया गया था और उससे जबरदस्ती का। और उस पूरे मामले के बाद जो है, इस पूरे मामले की जब जांच शुरू हुई उसके बाद फिर बालू से जुड़ा हुआ कई मामला जो है वो अरुण यादव के ऊपर दर्ज हुआ। और आप जब आरा के इलाके में जाएंगे, संदेश के इलाके में, तो उनका जो यहाँ पर वहाँ पर जो इनकी कोठी है उस कोठी को आप देखेंगे तो वो किसी राजमहल से कम नहीं लगता, मतलब पूरी तरीके से हवेली वो नजर आएगी आपको वो कोठी। और वहाँ पर जो है भीतर एंट्री करना मना है, बहुत ऊंचा, बहुत दीवार की ऊंचाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं गया हुआ हूँ उस इलाके में तो मैंने जा कर के देखा है। तो अरुण यादव का मामला उस समय से जो है वो चलता रहा, इनके ऊपर कई और भी दूसरे दूसरे आरोप भी जो हैं वो लगे हैं। और अभी जो ईडी ने जो प्रॉपर्टी अटैच की है उसमें संदेश में इनकी कई प्रॉपर्टी को अटैच किया है। पटना के दानापुर में जो है वो इनका जो एक बंगला था या फिर एक फ्लैट था वो राबड़ी देवी के नाम किया गया था, उसको भी सीज कर लिया गया है। तो कुल 25 करोड़ की संपत्ति जो है वो सीज की गई है। और अरुण यादव के विषय में कहा जाता है कि वो काफी दबंग और मतलब बाहुबली किस्म के विधायक हैं, तो उस इलाके में उनका एक खौफ भी है। और संदेश में संजय टाइगर जो बीजेपी के विधायक हुआ करते थे उनको हरा करके अरुण यादव वहां से चुनाव जीते। फिर जब 2020 का चुनाव हुआ तो उस समय उनको टिकट नहीं मिला, उनकी वाइफ को टिकट दिया गया, तो फिलहाल अभी उनकी वाइफ जो है वहां से विधायक है। और अभी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई जो है वो अरुण यादव के ऊपर की है।
जी नवीन, चलिए तो एक बड़ी कार्रवाई आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव पर। लालू के खासम खास में जाने जाते हैं अरुण यादव। 25 करोड़ की उनकी संपत्ति को, जैसा कि आपने बताया, 25 करोड़ की उनकी संपत्ति को ईडी ने जब्त किया है। देखना होगा कि और इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है आने वाले दिनों में, किस तरीके से ईडी का जो शिकंजा है वो कसता है। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद आपका एसके राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो ये पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू यादव के करीबी और आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव पर ईडी ने शिकंजा कसा है। उनकी 25 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है।